रिलायंस कैपिटल के चेयरमैन अनिल अंबानी ने अपने बेटे अनमोल अंबानी को कंपनी बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया है। अनिल अंबानी अनमोल अंबानी को नए निदेशक के रूप में परिचय कराते हुए कहा कि वो अपने साथ काफी अच्छा भाग्य लाए हैं। उनके बोर्ड में शामिल होने के बाद से कंपनी के शेयर्स मूल्य में 40% का इजाफा हुआ है। अनिल ने उम्मीद जताई कि अनमोल इफेक्ट आगे भी जारी रहेगा। अनमोल हैज ब्रॉट द ग्रुप एंड स्पेसिफिकली रिलायंस कैपिटल ट्रिमेंडस लक एज द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस कैपिटल ऑल ऑफ यू शेयर होल्डर्स विच ओन रिलायंस कैपिटल has risen by nearly 40% in just a few months since the induction of Anmol onto the board. I hope and I am confident that the Anmol effect will continue based on performance, growth, teamwork, and his personal commitment, dedication and value system. कंपनी की सालाना आम बैठक में 24 वर्षीय अनमोल की कार्यकारी निदेशक के रूप में चुनने पर शेयरधारकों का आभार जताते हुए अनिल अंबानी ने कहा कि अनमोल भविष्य के ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों तथा रिलायंस कैपिटल के अन्य अंशधारकों से संबद्ध रहेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देश की आधी आबादी 30 साल से कम आयु की है। आपको बता दें कि रिलायंस कैपिटल के कर्मचारियों की औसत आयु 34 साल है। गौरतलब है कि अनमोल के पास ब्रिटेन के वार्विक बिजनेस स्कूल की डिग्री है। वो कंपनी में 2 साल के प्रशिक्षण के बाद 23 अगस्त को रिलायंस कैपिटल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल हुए। आम सभा में मंगलवार को अनमोल की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली गयी। अनमोल 2014 से रिलायंस कैपिटल में विभिन्न वित्तीय सेवाओं में काम कर रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।